नमस्कार मित्रों, आज है 2 दिसंबर 2021। आज का 24x7 ऑफलाइन केबीसी क्विज देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको खेलते हैं। पहला प्रश्न है, विमान के पायलट किस केबिन में बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं। विमान के पायलट जिस केबिन में बैठते हैं उसे कॉकपिट कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घी क्या है। तो घी एक प्रकार का मक्खन है। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली के किस स्थान पर किया गया है। तो वो है स्थान गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी। विकल्प बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस शहर में है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले नासा के किस जांच में पाया गया कि इस ग्रह का ग्रेट रेड स्पॉट वैज्ञानिकों की सोच से अधिक गहरा है। मतलब बृहस्पति ग्रह में आसपास कौन सा सैटेलाइट चक्कर लगाया, उसने पता लगाया कि रेड स्पॉट लाल धब्बा जो है सोच से अधिक गहरा है। तो यह जूनो जूनो सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो यह होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथा कहो उर्वशी के किताब के लेखक है। कथा कहो उर्वशी किताब के लेखक हैं दिलीप कौर तिवाना। विकल्प डी इज राइट आंसर। भगवान श्री कृष्ण का अनोखा अस्त्र कौन सा है। इनमें पहला विकल्प है गांडीव, दूसरा है कौमोदकी, तीसरा है सुदर्शन चक्र, चौथा है परशु। तो भगवान श्री कृष्ण का अनोखा अस्त्र सुदर्शन चक्र था, आप सब जानते हैं। तो सुदर्शन चक्र विकल्प सी इज राइट आंसर। अब आता है प्रश्न नंबर 9, वह मुख्य जिसमें चावल और नारियल मुख्य सामग्री के रूप में होते हैं वह क्या कहलाता है। तो यह है उत्तर कहलाता है नारियल और चावल। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न आता है 10, निम्नलिखित में किस भोजन में विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी मशरूम में भी पाया जाता है, वसा युक्त मछली में भी पाया जाता है, अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है। इसलिए चारों विकल्प ऐसे हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए उपरोक्त में से सभी विकल्प डी इज राइट आंसर। इस तरह मित्रों आज का केबीसी ऑफलाइन क्विज समाप्त हुआ और अगले दिन आप सब लोगों से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।